स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है क्लास 10th के मार्क्स के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उनको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने स्कूल के लिए क्लास 10th के मार्क्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप 80 मार्क्स अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्कूल के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा उसी पॉइंट से जहां पे मैंने मेरा पुराना वीडियो जो है वो एंड करा था। उस वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि हमने 80 मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए थे हमारे सारे एग्जाम से जो कि हमने साल भर में बच्चों से ली थी। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि उन नंबर्स को प्रिपेयर करने के बाद हमें आगे की प्रोसेस किस तरह से फॉलो करनी है, आगे की प्रोसेस में हमें क्या करना है। जैसा कि सीबीएसई ने हमें बताया था, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, कि हमें 80 मार्क्स को बनाने के बाद एक रेफरेंस ईयर को सेट करना था। ठीक है, वो जो रेफरेंस ईयर है वो आपके लास्ट 3 साल के रिजल्ट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके लास्ट 3 साल के क्लास 10th के बच्चे जो आपके स्कूल से पास आउट हुए हैं, आप उनके रिजल्ट को रेफरेंस ईयर बना सकते हैं। और उसे रेफरेंस ईयर कैसे बनाना है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और सारा कैलकुलेशन किस तरह से करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उन 3 साल के रिजल्ट्स को आप रेफरेंस ईयर कैसे मानेंगे, मान लीजिए 3 साल के रिजल्ट्स में से आपका कोई एक पर्टिकुलर साल था जिसमें आपका रिजल्ट, आपके स्कूल का जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा रहा था। सो पहले तो अगर आपके पास 3 साल का रिजल्ट है, जहां तक कि मैं समझता हूं अभी फिलहाल में आप लोगों के पास 3 साल का रिजल्ट होगा, बट वो आउट ऑफ 100 मार्क्स होगा। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स की। तो जैसा कि सीबीएसई ने बोला है कि वो पोर्टल ओपन करेंगे और उस पर आपको सारा डिटेल आपके स्कूल का या अदर किसी स्कूल का रेफरेंस के लिए देंगे। ठीक है, बट सपोज करिए कि यहाँ पे अगर आपके डेटा है आउट ऑफ 80 मार्क्स का। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा बनाया हुआ है। ये सेशन 2019-20 का डेटा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करा है, और ये सेशन 2018-19 का डेटा है जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करा है, डमी डेटा है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो डेटा है ये आउट ऑफ 80 मार्क्स है, सो हमें आउट ऑफ 80 मार्क्स को ही रखना है, और हमें पता करना है कि किस ईयर में जो रिजल्ट है वो हमारा अच्छा रहा है। कैसे हम पता करेंगे, आपको ओवरऑल जो एवरेज है वो निकालना है, जैसा कि सर्कुलर में कहा गया था। दैट हमें क्या करना है, हमें एक तो हर एक सब्जेक्ट के एवरेज मार्क निकालने हैं और एक ओवरऑल एवरेज निकालना है 5 मेन सब्जेक्ट का रेफरेंस ईयर का। तो रेफरेंस ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास 2 साल का डेटा है, तो आप 2 साल का एवरेज निकालिए। आपने यहाँ पे लिखा एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज देखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, एवरेज के अंदर मैंने पहले तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका मैंने एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पे मुझे एवरेज मिल गया है समथिंग 73। ठीक है, ये मेरा जो एवरेज है यहाँ पे मुझे ये इंग्लिश सब्जेक्ट का मिल गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एवरेज निकालूंगा। सो आप देख सकते हैं कि ये जो एवरेज मुझे मिला है ये मुझे 18-19 का मिला है। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर मैथ्स का, फिर साइंस का, और फिर सोशल साइंस का। अब इसी एवरेज के साथ मुझे ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ओवरऑल एवरेज। ठीक है, ओवरऑल एवरेज जो है वो क्या रहेगा, आपके 5 मेन सब्जेक्ट का ओवरऑल एवरेज रहेगा। ठीक है, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला लिखा और मैंने यहाँ पे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो आपको ओवरऑल एवरेज जो है वो मिल गया है 69.76, या आप इसको अगर राउंड फिगर में करते हैं सो 70 जो है वो आपका ओवरऑल एवरेज है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ओवरऑल एवरेज और इंडिविजुअल एवरेज सभी सब्जेक्ट के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ईयर का निकाल लिया है, आपको जब 80 नंबर्स का डेटा मिल जाएगा, आउट ऑफ 80 मार्क्स का डेटा मिल जाएगा, सो आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैंने ये 18-19 का जो है वो एवरेज निकाल लिया है, अब मुझे क्या करना है 19-20 का इसी तरीके से एवरेज निकालना है। सो मैं इसी चीज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज भी कर देता हूँ कॉपी करने से पहले, ताकि मैं जब दूसरी शीट पे कॉपी करूं तो ये मुझे प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे ओवरऑल एवरेज और एवरेज को हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये मेरा जो डेटा को प्रॉपर देखने का जो तरीका है वो मैंने सेट कर दिया है। अब इस डेटा को मैं कॉपी करता हूँ, मतलब मैं इस फॉर्मूलास को कॉपी करता हूँ और 1920 पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ एक बार चेक करना है कि हमारा जो डेटा है वो 1920 के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं आया। मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले को एडिट करा और मैंने यहाँ पे देखा कि ये C4 से लेकर C13 को सिलेक्ट करे हुए, इसका मतलब मेरा जो एवरेज है वो सही आया हुआ है। और इसी फॉर्मूले को मैंने एक बार और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, फिर यहाँ पे आया, मैंने इसको डबल क्लिक करा, यहाँ पे भी मैंने देखा C14 से लेकर G13 तक मेरा जो डेटा है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे
ओवरऑल एवरेज आ गया 61 और यहाँ पे मेरा जो ओवरऑल एवरेज आया था वो 70 था। तो आप देख सकते हैं कि 18-19 का जो ओवरऑल एवरेज है वो 19-20 के ओवरऑल एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ओवरऑल एवरेज मिल गया, मुझे मेरा रेफरेंस ईयर मिल गया। यहाँ पर जो मैं रेफरेंस ईयर सिलेक्ट करूंगा वो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, 18-19 वाला, 2018-19 का जो रिजल्ट है वो मेरा रेफरेंस ईयर हो जाएगा और यही सारे जो एवरेज है मेरे रेफरेंस एवरेजेस हो जाएंगे फॉर द 2021, ठीक है, जो भी मुझे डेटा प्रिपेयर करना है 2021 के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में यहां तक देख लिया था कि हमें जब 80 आउट ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करने हैं या प्रिपेयर करने हैं अपने स्कूल के लिए, तो यहां तक का जो प्रोसेस है वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। अब इसके आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। आगे का प्रोसेस देखने से पहले हम यहां पे एक चीज और फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एक चीज और फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि है हमारा 6th सब्जेक्ट। अगर आप लोगों के स्कूल में कोई 6th सब्जेक्ट चल रहा है तो 6th सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सर्कुलर के अंदर दिया होता है कि आप बेस्ट ऑफ 3 मार्क्स निकालेंगे और उन बेस्ट ऑफ 3 से एवरेज निकालेंगे और आप 6th सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 50 या आउट ऑफ 80 जो भी आपका रहता है। तो सपोज करिए आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है बेस्ट ऑफ 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट 1, ठीक है, 3 बेस्ट मार्क्स निकालने हैं आपको इन पांचों सब्जेक्ट में से हर एक स्टूडेंट के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट 2, फिर यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट 3, ठीक है, तो ये बेस्ट 3 कर दिया और मैंने यहाँ पे 6th सब्जेक्ट का जो नाम है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सपोज करिए आईटी हम मान के चलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने इसका यहाँ पे टोटल ले लिया है। आईटी सब्जेक्ट का जो टोटल रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है थ्योरी में, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50 मार्क्स लिख दिया है। और अब मैं इस डेटा को प्रिपेयर करने वाला हूँ, तो बेस्ट 1 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा है लार्ज, ठीक है, लार्ज के अंदर मैंने यहाँ पे ये रेंज दे दी है और रेंज के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1, तो सबसे पहला जो लार्जेस्ट होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने इस चीज को ड्रैग करके सभी सेल्स के ऊपर फिलअप कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लार्ज और फिर से मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है, तो अब मुझे सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है लार्ज और यहाँ पर मैंने वापस से इसको ड्रैग कर दिया है, ठीक है, और इसके मैंने बंद कर दिया है। बंद करने से पहले एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे मुझे कॉमा करके 3 करना था, ठीक है, सो ये थर्ड लार्जेस्ट मुझे मिल गया। अब आपको लगेगा कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं, ये सेम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं वो इक्वल है। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे 68 को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सपोज करिए मैंने 68 को यहाँ पे कर दिया है 75, तो आपको दिखेगा कि बेस्ट 1 के अंदर क्या आ गया है, 75 आ गया, ठीक है, तो ये इसलिए सेम दिख रहा है क्योंकि हमारा डेटा सेम है। बट जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर्स को चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 71 कर दिया, तो देखिए बेस्ट 2 में आपको 71 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका बेस्ट 1 है, ये आपका बेस्ट 2 है, ये आपका बेस्ट 3 है, ठीक है, मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूं। अब आप देखेंगे कि ये हमें यहाँ पे बेस्ट वैल्यूज जो है वो मिल गई हैं और इसे मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, तो मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है और इसे मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। इतना करने के बाद अब मुझे आईटी के लिए कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि ये आउट ऑफ 80 है, मुझे आउट ऑफ 50 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम। सम के अंदर यहाँ पे मैंने इसका रेंज ले लिया है, ठीक है, रेंज लेने के बाद मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 80 करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड बाय 80 करूंगा सम करने के बाद और फिर जो डिवाइड होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा 50 से। डिवाइड 80, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50, ठीक है। सो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, सम करा, सम में मैंने 80 से डिवाइड करा और 3 मार्क्स मैंने लिए तो एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करा और फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा आउट ऑफ 50 निकालने के लिए। अगर आपको आउट ऑफ 80 निकालना है तो आप बस इसको 3 से डिवाइड करेंगे और आपको आउट ऑफ 80 जो है वो मिल जाएगा, आपको ये अलग से इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, 50 के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, 80 के लिए आपको डायरेक्टली इसका क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया है। अब इसे मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, राउंड ऑफ करके मैंने इसे कर दिया है 45, इसे मैंने ड्रैग कर दिया है और इसे मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मुझे आईटी के मार्क्स जो है वो मिल गए हैं। इसका मतलब मुझे मेरे ये जो 6 सब्जेक्ट के मार्क है वो मिल गए हैं। सो इस तरह से आप 6 सब्जेक्ट के मार्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो ओवरऑल एवरेज था, ठीक है, इसको मुझे कॉपी करना है, इसके फॉर्मूलाज को मुझे कॉपी करना है और मुझे यहाँ पे ये जो 2020 के मार्क्स है यहाँ पे इसे पेस्ट करके देखना है कि मेरा जो एवरेज निकल रहा है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एवरेज को लाने के लिए मुझे फॉर्मूलाज को यहाँ पे एक बार करेक्ट करना पड़ेगा। सो इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ पे देख लिया है अप्लाई करके, तो इंग्लिश का मेरा जो एवरेज आ रहा है वो 71 है, हिंदी का 71 है, मैथमेटिक्स का 70, साइंस का 70, सोशल साइंस का 70 और यहाँ पे ओवरऑल जो एवरेज है वो मुझे देखना है। ओवरऑल एवरेज पांचों सब्जेक्ट का जो मुझे देखना है वो यहाँ पे आ गया 70। तो अब यहाँ पे आपको 2021 का आउट ऑफ 80 मार्क्स का एवरेज
सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल भी मिल गया है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इन्होंने बोला था कि आपका जो रेफरेंस ईयर है उससे आपका प्लस टू ज्यादा हो सकता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअली अगर आप सब्जेक्ट वाइज चेक करते हैं, और या तो माइनस टू हो सकता है। मतलब अगर आपका रेफरेंस ईयर का 62 आता है तो 64 तक जा सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और अगर माइनस में देखें तो माइनस में कम से कम 60 तक जा सकता है, मतलब 60 से लेकर 64 के बीच में आपका वेरी कर सकता है। तो हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं, हमारा जो मैच था वो 1819 था, तो 1819 में मेरा जो एवरेज था वो 73 था इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे अब अगर मैं देखूं इसको मैच करने की कोशिश करूं तो उसके लिए मैं एक नई शीट और बनाता हूं, ठीक है। वहां पे मैं क्या करता हूं, वहां पे मैं इसका एवरेज जो है वो मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो नई शीट बनाई है इसको मैं कर देता हूँ कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन नाम मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने करा इक्वल। इक्वल करने के बाद मैं 1819 में गया और यहाँ पे मैंने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंग्लिश मिल गया, इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो मुझे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के जो नाम है वो मिल गए, ठीक है। इस तरह से आप जो सब्जेक्ट के नाम है उन्हें कॉपी कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। आपको बार बार एक एक करके कॉपी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसी को ही मैंने नीचे की तरफ ड्रैग करा, सो मुझे यहाँ पे देखिए ये सारे मार्क्स भी दिखने लग गए हैं। बट ये किस ईयर के मार्क्स हैं, ये 2018-19 के एवरेज है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एवरेज। इसका मैं ऊपर नाम भी दे देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज एवरेज कंपैरिजन, ठीक है। सो ये मैंने सब्जेक्ट वाइज एवरेज जो है वो यहाँ पे निकाल लिया है 1819 का। अब मुझे 2021 का लेके आना है यहाँ पे एवरेज सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने यहाँ पे इक्वल करा और मैं 2021 की शीट पे गया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है, और इसे मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट वाइज कंपेरिजन दिखाई देने लग गया है, ठीक है, दोनों ईयर का, ठीक है। ये देखिए तो ये सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन मुझे दोनों ईयर का जो है वो मिल गया है। तो आप देख सकते हैं अब कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। 1819 में इंग्लिश में 73 एवरेज था, यहाँ पे 71 है। यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल और इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, हम दो डिजिट तक लेके चलते हैं। सो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बाकी सब्जेक्ट के अंदर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है -1, -1, 0, ठीक है। मतलब 2021 में क्या हुआ है, यहाँ पे ये चीज बढ़ गई है, ठीक है। और इंग्लिश में जो आपको दिख रहा है कि 1819 में 3 था, 73 था, 1819 में जो एवरेज था वो 73 था, यहाँ पे ये 3 नंबर से कम हो गया, ठीक है। हिंदी में बढ़ गया है 1 नंबर से, तो ये ठीक कंडीशन है हमारी, ठीक है। यहाँ पे 66 था, यहाँ पे 70 हो गया है, सो 3 नंबर से बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको प्लस 2 के अंदर रखना है। यहाँ पे आपको 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है लगभग, अगर हम देखें तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादातर आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अंदर दिख रहा है, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज एवरेज देखते हैं। सो एक तो ये आपको दिखाई दे गया है। अब आपको जो भी करेक्शन करना है वो किस सब्जेक्ट में करना है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज में भी प्लस टू ही बढ़ सकता है, डिक्रीज में भी माइनस टू जा सकता है, ठीक है। 3 तक आप नहीं पहुंच सकते थर्ड लेवल तक, तो आपको इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो एक तो ये आपको कंपैरिजन दिख गया है सब्जेक्ट वाइज। दूसरा हम देखते हैं ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल कंपैरिजन देखते हैं। तो ओवरऑल हमारा है 2018, ठीक है, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये हो गया 1819, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और रो इंसर्ट कर दिया है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए ओवरऑल, सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ओवरऑल एवरेज कंपैरिजन। तो ओवरऑल एवरेज कंपैरिजन, ठीक है, इसका हम देखते हैं। सो 1819 का जो ओवरऑल था वो हमें यहाँ पे चाहिए, सो हमने यहाँ पे 1819 का जो ओवरऑल है उसे ले लिया है, और फिर उसके नीचे हमें चाहिए 2021 का ओवरऑल, सो हमने 2021 का ओवरऑल ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल आ रहा है दोनों ईयर का वो लगभग इक्वल है। अब हम इसकी कंडीशन भी समझ लेते हैं कि ओवरऑल एवरेज क्या है। तो ओवरऑल एवरेज ऑफ असेस मार्क्स इन मेन 5 सब्जेक्ट लेस देन और इक्वल टू 66, मतलब रेफरेंस ईयर का जो ओवरऑल है और करंट ईयर का जो ओवरऑल है उसकी कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है कि रेफरेंस ईयर से करंट ईयर का जो ओवरऑल एवरेज है वो ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है कि आपका जो एवरेज आया है, ओवरऑल एवरेज आया है वो बराबर है, ठीक है, ना तो कम है ना ज्यादा है, वो बराबर है। अगर ज्यादा होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कम होगा तो आप उसको चला सकते हैं, ठीक है, मतलब सीबीएसई उसको एक्सेप्ट कर लेगी बट ज्यादा वाले को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो कम या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला जो कंडीशन है ये हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो करंट ईयर का जो परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज है, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा।
तो कम हो जाएगा, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इससे आपको दिख जाएगा कि आपका जो रिजल्ट बना है वो एकदम करेक्ट बना है। अब जो कि इन्होंने ये टेबुलेशन बोला है कि टेबुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस टेबुलेशन के लिए आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले हम ये जो टेबुलेशन का फॉर्मेट है इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, कि ये टेबुलेशन का फॉर्मेट किस तरह से बनेगा दोनों ईयर के लिए। ठीक है, तो मैं ये टेबुलेशन का फॉर्मेट आपके लिए बनाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक नई शीट बनाई, इसका मैंने नाम दिया है टेबुलेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टेबुलेशन करना है, तो ये टेबुलेशन मैं किस तरह से करूंगा। ठीक है, ये टेबुलेशन का फॉर्मेट मैंने बना रखा था मेरे पास, ठीक है, जो कि पीडीएफ में जिस तरह से दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2018-19 एंड 2020-21। अब ये जो टेबुलेशन है ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको करना है, ठीक है, सिर्फ ईयर वाइज नहीं करना है, ईयर वाइज तो करना ही करना है, साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। तो हर एक सब्जेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी होना चाहिए। आपके पांच सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें हो गया इंग्लिश, ठीक है, एक मैं यहाँ पे कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ जहाँ पे सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे हो गया है सब्जेक्ट, ठीक है, सो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक, देन साइंस, देन सोशल साइंस। ठीक है, इस तरीके से आपको पांचों सब्जेक्ट का जो है वो टेबुलेशन करना है। तो मैंने इसे मर्ज कर दिया और ये हो गया है सेंटर, ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18-19 के लिए जो हमारा रेफरेंस ईयर है, और सिमिलरली इसको भी हम बना लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा करंट ईयर के लिए। सो इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है और इसको इस तरीके से इंक्रीज कर दिया है, और क्योंकि हमें ये 2021 का चाहिए सो इसे भी हमने मर्जन सेंटर कर दिया है और इसे हमने यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इसका जो कलर है मैंने वो चेंज करके ऑरेंज कर दिया। ठीक है, इसका जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ऑरेंज की जगह मैंने दूसरा कलर कर दिया ताकि डिफरेंस दिखाई देता रहे। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डेटा है ये मुझे कहां से उठाना है, एक तो मुझे उठाना है 2021 की शीट से और एक मुझे उठाना है 18-19 की शीट से, और मुझे यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है इसी मार्क रेंज के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, मार्क रेंज आपकी 80 तक जा रही है, 26 से स्टार्ट हो गए, मतलब 26 से नीचे वाले जो है वो 1% यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका टोटल स्ट्रेंथ भी। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना देता हूँ जिसका मैं यहाँ पे मर्ज करके कर देता हूँ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको दिखती रहेगी, ठीक है, दोनों ईयर की। सो वो भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे मार्क रेंज बन रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ वाइज बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस मार्क रेंज को फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए या तो आप मैन्युअली मेहनत करें, मैन्युअली मेहनत आप कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे गए 18-19 के अंदर, यहाँ पे आपने इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल में गए और लेस देन के ऊपर क्लिक करा और लेस देन में आपने लिखा 26, तो आपको दिख रहा है कि जीरो है, तो आप वहाँ पे जीरो फिल करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि हमें दूसरा कौन सा सही है, 26 से 40, ठीक है, आप वापस से 18-19 में गए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में गए, हाईलाइट में गए, बिटवीन पे गए, फिर आपने यहाँ पे लिखा 26 और फिर आपने यहाँ पे लिखा 40, तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया जीरो, तो ये भी नहीं है। सो इस तरीके से आप एक चीज कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप अगर उस फॉर्मूले के अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे, ठीक है, सिर्फ आपको रेंज जो है, सेल रेंज जो है या कॉलम रेंज जो है या रो की जो रेंज है वो आपको चेंज करनी है, और आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी। ठीक है, सो अब मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, आप अगर ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद यहाँ पे एक मुझे रेंज देनी है और यहाँ पे मैंने ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो रेंज के अंदर मैं क्या करूंगा, जहां से मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है मैं उस शीट पे जाऊंगा और उस रेंज को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, जीरो मिल गया, क्योंकि 26 से नीचे किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स जो है वो नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया इंग्लिश के लिए। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को मैं अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ मैं इसे, और मैं इसे हिंदी में पेस्ट करता हूँ, मैथमेटिक्स में पेस्ट करता हूँ, साइंस में पेस्ट करता हूँ और सोशल साइंस में पेस्ट करता हूँ। इस पर मैंने इसलिए करा है क्योंकि मेरी जो शीट है वो सेम रहेगी, सिर्फ जो कॉलम रेंज है वो चेंज हो जाएगी। अब कॉलम रेंज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको एडिट करिए, इस फॉर्मूले को आप ओपन करिए डबल क्लिक करके सेल के ऊपर, और आप शीट पे जाइए और हिंदी के रेंज को आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हिंदी के रेंज के लिए मिल गया, आप देख सकते हैं ऊपर D4 से D13 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सा कॉलम है, E4 to E13। ठीक है, सो आप वापस आइए अपने टेबल पे, इसको डबल क्लिक करिए, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रेंज को लिख सकते हैं या फिर इसको रिमूव करके
और उस डेटा के ऊपर जाके रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिलेक्ट करना ज्यादा इजी रहेगा और एक्यूरेट भी रहता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से आया और मैंने साइंस को सिलेक्ट करा, फिर यहाँ पे मैंने सोशल साइंस को एडिट करा और सोशल साइंस के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से मेरा ये जो एक कॉलम है वो फिल हो गया है कि 26 से नीचे आपको यहाँ पे जीरो स्टूडेंट दिख रहे हैं। अब स्ट्रेंथ यहाँ पे कैसे फाइंड आउट होगी, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप एक सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, सम के फॉर्मूले से यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ जो है वो मिलती जाएगी। जैसे जैसे ये कॉलम फिल होता जाएगा आपको यहाँ पे ये स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी जीरो है, जैसे जैसे फिल होगा आपको यहाँ पे दिखती जाएगी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 26 से लेकर 40। पहले मेरा एक ही कंडीशन थी कि लेस देन 26 था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लगा लिया लेस देन 26। अब मेरी दो कंडीशन है, 26 से ज्यादा और 40 से कम। ठीक है, 26 से 40 के बीच के मुझे डेटा चाहिए, तो 26 से ज्यादा और 40 से कम। तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे कि हमको चाहिए 26 से लेकर 40 के बीच का डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, इसमें देखिए काउंट एफ रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 26। ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें से हमें माइनस करना है रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, तो 26 से लेकर 40 तक के स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, 26 से ज्यादा हम ले सकते हैं 26 से, क्योंकि पहले हमने जो लिया वो 26 से लेस देन था, तो 26 से ज्यादा या बराबर और 40 से ज्यादा या बराबर जो भी डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा और आप उसको माइनस करेंगे तो आपको उसके बीच का जो डेटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम हमारी शीट पे चलते हैं, वहां पे हम डबल क्लिक करते हैं और इस फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले को जो है वो प्रॉपरली पेस्ट करता हूँ, जिससे ये फॉर्मूला जो है आपको दिखाई देगा अप्लाई होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है, तो रेंज की जगह पे मैंने क्या करा है, मैंने मेरी शीट के ऊपर क्लिक करा और रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो रेंज आ गई है, सेकेंड पार्ट में मुझे वापस से रेंज को है वो सिलेक्ट करना है, तो मैंने वापस से रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो डेटा आया है वो जीरो आया है, क्योंकि 26 से 40 के बीच में कोई भी नहीं है। अब अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू चेंज होने के साथ में मुझे एक चीज का और ध्यान रखना है कि मेरी जो रेंज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला को कॉपी करते समय तो आपको रेंज जो है वो फिक्स रखनी है। ठीक है, तो रेंज को मैंने वापस से एक बार सही कर दिया है, क्योंकि ये देखिए D4 से D13 हो गया था सेकेंड कॉलम में कॉपी करने पे, उसको मैंने वापस से C4 से C13 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे 40 से ज्यादा चाहिए, इक्वल मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 40 और यहाँ पे मैंने लिखा 50 और मैंने इसको एंटर करा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जीरो दे रहा। फिर से मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे मैंने इसे फिर से पेस्ट करा। पेस्ट करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पहले एडिट मोड में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर इसमें आता हूँ, फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूले को पेस्ट करता हूँ। सो मुझे बार बार रेंज को अब चेंज नहीं करना पड़ेगा मेरी शीट पे जाके, अगर मैं इस तरह से फॉर्मूला को कॉपी करूंगा। अगर मैं डायरेक्टली सेल से कॉपी करता हूँ तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, क्योंकि एक्सेल का एक रूल होता है, यहाँ पे आप जब किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से कॉपी होता है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप कॉपी करेंगे, आप एडिट मोड पे जाके उस चीज़ को कॉपी करेंगे, सो आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली कॉपी होगा। सो अब मुझे चाहिए 50 to 60। ठीक है, सो 50 to 60 पे मैंने यहाँ पे कर दिया है और मैंने एंटर प्रेस करा, अभी भी नहीं मिला है मुझे कुछ भी। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, अब मेरा हो जाएगा 60 to 70। ठीक है, देखिए तीन बच्चे मिल गए जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 to 70 है। फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और मैंने इसे कर दिया 70 to 80। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल नंबर आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, वो आ रहा है 10 है। सो इस तरीके से आपको ये जो है फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट आपको फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। Thank you.
ठीक है। सो अब आपको कहीं कहीं जो है फॉर्मूला दिखाई देगा और कहीं कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाई देंगी, तो आपको अपने फॉर्मूला को मैनेज कर लेना है। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो मैनेज हो गया है। मैथमेटिक्स में एक बच्चे के 40 थे, तो आपको यहाँ पे वो 40 ये देखिए मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से देखिए आपका पूरा जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको दिख गई है। ठीक है, सो बस आपको ये करने के बाद एक बार यहाँ पे मैन्युअली चेक भी कर लेना है। मैन्युअली चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे बिटवीन पे जाएंगे, बिटवीन पे आपने लिखा 26 और आपने लिखा 40, तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो आपको चीज़ यहाँ पे शो हो रही है वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जो मिल गई है वो 6 मिल गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 6 है। वो आपको कहाँ कहाँ पे वैल्यू मिली है, आपको जो वैल्यू मिली है वो मिली है 60-70 और 70-80। आप इसको मैच कर लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके। ठीक है, 60-70 तीन वैल्यू दिख रही हैं आपको, 70-80 तीन वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब आपका जो डेटा आया है वो सही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो टेबुलेशन है वो हो गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सो जितना CBSE ने सर्कुलर में बताया था उतना मैंने आपको दोनों वीडियो के अंदर बता दिया है कि आप अपने स्कूल के लिए मार्क्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं CBSE के अकॉर्डिंग, जो जो उन्होंने कंडीशंस दी थी एवरेज की और ये टेबुलेशन की, वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आती है या कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और मेरे वीडियो उसको देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड जो पार्ट वन है उसकी लिंक मिल जाएगी, सो आप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को ही देख सकते हैं, और अगर दोनों के अंदर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। अब तक के लिए स्टे सेफ।